हमको एक रेक्टेंगल बनाना है ए बी सी डी, जिसमें हमें दिया है ए बी 4.5 है, डायगनल उसका दिया है ए सी 6 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए सबसे पहले उसका बेस बनाएंगे ए बी, है ना। रेक्टेंगल का बेस जो है ए बी है 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। 4.5 कहाँ पर बनेगा, कैसे बनेगा, ये जो लाइन हमारी 4.5 की हमारी बन गई ए बी, हमने ड्रॉ किया ए बी दैट इज 4.5। अच्छा तुम्हें पता है क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ये एंगल जो होते हैं, सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, तो इस पर हमें बी पे एक 90 बनाना है। 90 बनाना आता कि नहीं आता, कितना होता 90, कैसे बनाती हूँ बता सकती हूँ। सिंपल, यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, है ना, बी से सेमी सर्कल ड्रॉ किया हमने, जहाँ से पॉइंटर यहाँ रखेंगे, फर्स्ट आर्क लगाएंगे तो 60 हो जाएगा, फर्स्ट आर्क से पॉइंटर रख करके अगर हम दूसरा आर्क लगा देंगे तो ये 120 हो जाएगा। इन दोनों को ऊपर हम यहाँ पे यहाँ से एक आर्क लगाएंगे और एक यहाँ से आर्क लगाएंगे इस पहले वाले आर्क पे, जहाँ पे कट करेगा वो 90 हो गया, और अब हम यहाँ से 90 इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं, ज्वाइन कर देंगे, दिस विल बिकम 90 डिग्री। यहाँ पे मैं स्टॉप नहीं करेंगे, इसको आगे एक्सीड कर देंगे थोड़ा सा, ठीक। डायगनल कितना है इसका, ए सी 6 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ से ए से लेके 6 यहाँ कहीं होगा, ए बी सी से यहाँ होगा कहीं, ए सी में 6 लेना है, तो कंपास में हमने 6 सेंटीमीटर की रेडियस इसमें टेकअप कर ली, दिस वन, और फ्रॉम पॉइंट ए इसको हमने कट किया, जहाँ पे कट किया तो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल बिकम सी, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट सी, ए बी सी, राइट। अब हमें क्या करना है, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगनल कैसे होते हैं, रेक्टेंगल के डायगनल हमेशा इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के डायगनल इक्वल होते हैं। अच्छा, यहाँ तो हमने कर लिया, पॉइंट हमें सी ऑप्टेन हो गया, ए पर भी हमें ऐसे ही बनाना पड़ेगा 90 डिग्री, ए पर भी 90 बनाए जा रहे हैं, लेट अस सी, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे 90, ओके 90 बन गया यहाँ पे भी। यहाँ से अब बी से हम बी से भी 6 सेंटीमीटर का आर्क इधर लगा लें, ए सी 6 एंड देन बी ए सॉरी बी डी, यहाँ पे डी होगा ना पॉइंट, ए बी सी देन डी यहाँ होगा कहीं इस लाइन पे होगा, तो जो डी होगा और बी होगा इन दोनों के बीच में ये भी तो डायगनल है, बी डी विल बी ऑल्सो इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ए सी हमारा यहाँ 6 है, ये 6 है ये भी 6 होगा, ठीक। 6 अगेन कट करेंगे इसमें 6 की रेडियस लेकर के बी से, जहाँ पे कट किया ये पॉइंट हो गया हमारा डी, ठीक। हम डी और बी को ज्वाइन नहीं करना है, हमारा सिर्फ काम था डी को ऑप्टेन करना, डी और सी को ज्वाइन करेंगे, वी हैव टू ज्वाइन डी एंड सी, दिस इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू 4.5, लेट अस सी, ए बी इज इक्वल टू एग्जैक्टली 4.5, ओके। डायगनल ए सी, ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 6, ओके।